कहना मानता कि नहीं? इसलिए जब हमारा कहना नहीं मानता, प्राण भी अपना नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, प्राण भी अपना नहीं है। अगर ये प्राण अपना होता तो मैं अपने प्राणों से कहता हूं कि इसी शरीर में घुसे रहना 3000 साल तक, क्योंकि इस शरीर में बढ़िया फूल माला पड़ती है, सैकड़ों लोग चरणों में गिरते हैं और बढ़िया मौज है। तो ये प्राण अगर मेरा होता तो मेरा कहना मानता कि नहीं मानता? अगर ये मेरा कहना नहीं मानता, इस प्राण इस तरह से निकल जाता है, तो इसका मतलब प्राण भी अपना नहीं है। बात समझ में आ रही? इसलिए कि यहां कुछ मेरा नहीं है, ना कुछ मेरा शासन है, ये दूसरे के आदेश से सब कुछ संचालित हो रहा है, चाहे ये शरीर हो, चाहे प्राण हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे संपत्ति। चूंकि शास्त्र में कहा है पास बद्ध भवे जीवा, जो बंधन में बंधा है, दूसरे के शासन के भीतर है, वो जीव है, और जो सभी बंधनों से मुक्त है वो शिव। इसलिए मानस में भी कहा पर बस जी इसीलिए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अच्छा, पास बद्ध है, जो आपने अपने घर में गाय भैंस पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, उसको पास बद्ध कर देते हैं, जंजीर में बांध देते हैं। तो जिसको पास बद्ध कर दिया जाए वो है पशु, और जो पास मुक्त है वो है पशुपति नाथ माने शिव। अच्छा, लेकिन संसार में दो तरह के पशु बनाए गए, दो तरह के पशु। एक पशु ऐसा बनाया गया था कि दूर से मैदान के उस किनारे हम देख लें तो बता देंगे बैल खड़ा है। क्यों? क्योंकि दूर से उसके सिर के ऊपर दो सींग और पीछे पूंछ लटकती रहती है, तो हम समझ जाते हैं बैल खड़ा है, पशु खड़ा है। एक पशु ऐसा बनाया गया जिसके सींग पूंछ गायब है, वो कौन है? बोले अस प्रभु छाणी बजही जे आना ते नर पशु, लेकिन अंतर क्या है, बिनु पूंछ विसाना। जो मनुष्य राम जी को छोड़कर दूसरे के सहारे जीवन जिए तो समझ लेना उसके सींग पूछ गायब है, लेकिन है वो पशु। रामचंद्र के भजन बिनु अजो चाह पद निर्वाण, अज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विशान। विशान माने सींग, पूछ माने पूछ। मैं तो एक बात और कहा करता कि अगर राम जी के भजन के बिना वाला पशु बनाना था तब तुम हमको भैंसे बना देता भगवान, तो ज्यादा अच्छा था, बढ़िया 2 टाइम में 14 लीटर दूध देते, बढ़िया माल खाती और अच्छी खासी 80,000 की कीमत भी होती। अच्छा, 80,000 की भैंस हो और उसके दोनों सींग पूंछ काट कर काट दिए जाए तो उसकी कीमत कितनी रहेगी? दूध उतने दे रही है, लेकिन सींग दोनों कट जाए और पूंछ कट जाए तो कीमत आधे से भी कम मिलेगी उसकी।
तो मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों की कीमत बेकार कम किया है भगवान ने। अगर बिना उसके राम जी के भजन के बिना का पशु बनाना था तो हमारी कीमत ना कम करते, सींग पूछ लगा देते तो खासी 80,000 1,00,000 की भैंस बन के बिकती तो भी ठीक था। मित्रों, मेरा मतलब केवल ये है, मनुष्य का शरीर मनुष्य इसलिए है कि अगर वो राम का भजन करे, राम का स्मरण करे, राम का चिंतन करे तो वो मनुष्य मनुष्य है और नहीं मनुष्यता का कोई लक्ष्य। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है कि राम के चरण तक पहुंच जाना, राम का रामत्व हमारे जीवन में समझ में हित या नहीं तो पशु पक्षी है जब इस शरीर में गुण और ज्ञान प्रकट हो जाए, गुण और ज्ञान का उपयोग हो जाए। अगर ज्ञान की स्थिति नहीं आई, वो हम नहीं समझ सके जो समझने के लिए हमें मनुष्य बना करके यहां परमात्मा ने कृपा किया है, तो ये मनुष्यता का कोई लक्ष्य नहीं। आइए मैं आगे बात बढ़ाऊं। जब ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जनि डर पाहु मुनि सीधे सुरेसा से कह रहे हैं कि तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। आप अगर नर का वेश धरेंगे तो संसार में भी सब लोग नर का वेश धरे घूम रहे हैं, उनमें से ये कैसे पता चलेगा कि आकाशवाणी करने वाले नर का वेश वाले कौन और संसार वाले नर के वेश कौन। ऊपर से आकाशवाणी से वो पहचान बताते हैं, अरे कश्यप यदि महातप की बनूंगा, लेकिन कब बनूंगा? जब तुम अयोध्या के कौशल देश के राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो तिनके ग्रह अवतरी हम जाई और रघुकुल तिलक सोचारी भाई। उनके घर में चार भाई बनकर के चार भाई के रूप में मैं अवतार लूंगा। यहां से सुनने वालों ने कहा, महाराज आपने पहचान तो ठीक बताई लेकिन कंफ्यूजन में डाल दिया। अब जब चार भाई के रूप में लेंगे अवतार तो वो कहेगा कि मैंने आकाशवाणी किया था, वो कहेगा मैं हूं आकाशवाणी करने वाला। तो चार में से हम कैसे पहचानेंगे पर्टिकुलर व्यक्तिगत की आप हैं आकाशवाणी करने वाले? अब चार में से आपकी पहचान कैसे, हम किसके हाथ जोड़ेंगे, किसके पीछे घूमेंगे? आखिर वो कौन है जो दावा कर रहा है कि जन डर पहुंच से दूसरे साथ वो बारा कौन?
ऊपर से आकाशवाणी में उसकी भी पहचान बताई गई। ऊपर से पहले तो ये कहते हैं कि तिनके ग्रह अवतरी हो जाएगी। यहाँ एक शब्द शब्द ध्यान दीजिए, मैं अवतार शब्द पर अभी बोल रहा हूं। अवतार क्या है? तिनके ग्रह अवतरी हो, अवतरी हो मैंने अवतार लूंगा। यहां जन्म की बात नहीं है, प्रकट होने की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने तीन शब्द कहे हैं। राम जी का अवतार भी होता है, राम जी प्रकट भी होते हैं, राम जी का जन्म भी होता है। यहाँ अवतार की बात चल रही है। ऊपर से आकाशवाणी होगी, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। जब यहाँ पूछा गया कि जब आप चार भाई बनेंगे तो चार में से आकाशवाणी किसने किया था, ये पहचान कैसे होगी? दूसरी पहचान बता रहे कि नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। क्या हो? न प्रकट होऊंगा, न जन्म लूंगा, अवतरी हो। ठीक है। अब ये नारद वचन कौन सा है? जब नारद जी अपना विवाह कराना चाहते थे, दुल्हा बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए, फिर राम जी की कृपा है। उसका प्रसंग मैं यहां नहीं दे रहा, यहां तो आज अवतार जन्म प्राकट की। नारद जी ने तीन श्राप दिए थे भगवान को। पहला श्राप, बंचो मोहि जवनि धरि देहा, अस्वई तनु धरहु श्राप ममेहा। पहला श्राप ये कि मनुष्य का रूप बना के मुझे धोखा दिया आपने, तो इसलिए मनुष्य का शरीर बन। और दूसरा श्राप, कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो करी है की सुसहाय तुम्हारी। और तीसरा श्राप, मम अपकार कीन तुम भारी, अनारी विरह तुम हो दुखारी। ये तीसरा श्राप दे दिया कि अपनी पत्नी के वियोग में रोते घूमोगे पागल बने। इसका मतलब रघुकुल तिलक में जो चार भाई होंगे उसमें जो अपनी पत्नी के वियोग में रोते घूमे, वो समझ लेना कि मैं हूं आकाशवाणी करने वाला। ये पहचान है। अच्छा, एक प्रसंग आता है जब राम जी सीता जी की खोज में चल रहे थे और वहां ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे, वहां से सुग्रीव ने देखा कि कोई बलिष्ठ दो पुरुष आ रहे हैं और हनुमान जी से कहा कि धरिपट रूप देखते जाई। तो अब फिर कहे जान जी सर बुझाई, हनुमान जी विप्र रूप धरि के पिता हम गए और गए मस्तक झुका करके पूछने लगे, को तुम श्याम ले गौर सरी, जीवन कर आए हैं, कुछ पोथी पत्र निकालो, विचारो कि हम कौन हो सकते हैं, जानो। विप्र रूप धरी, कुछ लोग कह देते हैं प्रणाम क्यों कर दिए। अरे भैया, विप्र पंडित जी वही होते हैं क्या कि जो जिसको कभी प्रणाम ना करे कोई किसी को, क्या उसी को विप्र कहते हैं क्या? अच्छा, असली विप्र होते तो प्रणाम ना करते, अब वो असली छत्री होते तो प्रणाम ना करते। ये भी असली विप्र नहीं है, तो विप्र रूप धारी
कपी कहां गए हो, ये तो रुपए तो धरे थे। अब वो भी असली छत्री नहीं, हनुमान जी ने कह दिया छत्री रूप फिर बन भी, आप भी तो छत्री का रूप घूम रहे हैं ना, आप असली छत्री ने असली दे। अच्छा जब राम जी ने कहा जरा विचारो, तो बोले आप तो वही हैं कि तुम तीन देव महाप्रभु, तीन देवताओं से है क्या? राम जी ने कहा हम दो हैं, आपको तीन की गिनती कहां से आ गई? हनुमान जी ने कहा महाराज मेरा पत्रा हो विचार तो ये कह रहा है कि आप तीन थे अब एक बीच में गायब हो गया हो तो मैं क्या करूं? देखी नहीं, और अगर दो की बात है तो बोले नर नारायण की तुम दो। राम जी ने कहा पहले एक को जरा समझो फिर बाद में देखो। हनुमान जी ने कहा भी बताता हूं अगर एक की बात है तो जग कारण तारण भव और भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति अलीन मनुज अवतार। आज अवतार सब चल रहा अवतार की तुम अखिल भुवन पति अलीन मनुज अवतार। अभी अवतार की बात समझ रहे हैं। एक बात और बताऊं, एक मिनट के लिए ध्यान से समझिए, जब मैं जानता हूं ज्यादा कठिन बात देर तक नहीं रखूंगा। ये जो दोहा है जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये पूरा पूरा वेदांत है। इसमें वेदों का जो वेद्य परमात्मा निर्गुण निराकार असीम अनंत अनाद अखंड परमात्मा है उसकी व्याख्या है, ये किसी रूपधारी की नहीं। थोड़ा सा समझा दूं, ज्यादा गंभीरता नहीं करूंगा ज्यादा देर तक। जग कारण, कारण शब्द कहते हैं जहां से जिसकी उत्पत्ति हो। जग कारण का मतलब है संसार जहां से उत्पन्न हुआ है उसको जग कारण कहते हैं। तो ये 41 साल के उम्र वाला कोई व्यक्ति पुरुष शरीरधारी ये संसार का उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता, इसका मतलब निर्गुण निराकार। अभी बहुत विस्तार है इसमें, लेकिन वो विस्तार मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरी क्षमता दिखाना चाहता हूं, उसकी बात नहीं, केवल आपको एक संकेत दे रहा हूं। जग कारण माने निर्गुण निराकार। अच्छा तारण भाव पूरे संसार का उद्धार करने आए हैं, और मुझे तो लगता है भंजन धरणी भार पृथ्वी का पाप अत्याचार का भार उतारने आए हैं। अब मुझे तो लगता है कि तुम अखिल भुवन पति, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन लीन मनुज अवतार, ऐसा लगता है मनुष्य रूप में आपने अवतार ले लिया है। एक और बात आपको स्मरण करा दूं, जितने लोग मानस का पाठ अच्छे से करते होंगे उनको बात और बढ़िया समझ में आएगी। उत्तरकांड में एक सिद्धांत आया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण निराकार जो ब्रह्मा है सुलभ अति बड़ा उसको पाना बड़ा सरल है। जैसे ईश्वर यहां भी तो है ना, इस जगह पर है कि नहीं? अरे कोई कण ऐसा नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई समय ऐसा नहीं जहां राम ना हो। लेकिन कैसे राम? यहां रूपधारी राम नहीं है, निर्गुण निराकार है, इतना सुलभ। लेकिन सगुण जान नहीं कोई, अगर वही रूप धर करके गुण आकार के साथ प्रकट आ जाता है उसको कोई नहीं जानता। भैया राम जी रो रहे थे हासीता हासीता, और लोग कह रहे थे पगला हो गया है यार। साधारण लोग नहीं, सती जी कह रही थी शंकर जी के साथ में जो शंकर जी की पत्नी है वो कह रही थी तो पागल है, सगुण जान नहीं कोई। हनुमान जी ने जब कहा जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति, यहां तक निर्गुण निराकार की व्याख्या हुई। बड़े ध्यान से समझना एक शब्द, केवल एक मिनट के लिए एकाग्र करना। लीन मनुज अवतार,
अवतार शब्द ऐसा है, अवतार एक ऐसा परिवर्तन है कि जब तक अवतार नहीं हुआ तब तक वो निर्गुण निराकार रहता है, और जैसे अवतार हो जाता है तो वही रूपधारी सगुण साकार बन जाता है। ठीक है, तो लीन मनुज अवतार लगता है मनुष्य के रूप में आपने अवतार ले लिया है, तो वो सिद्धांत लागू हो गया कि निर्गुण रूप सुलभ अति असगुण जान नहीं कोई। राम जी ने कहा पंडित जी अभी तक आपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या किया, वहां तक आप बड़ा सरल रहा, आप पंडित जी हैं विद्वान हैं, व्याख्या कर दिया, लेकिन जब आपने अवतार करा दिया तो अवतार होने के बाद वही सगुण साकार बन जाता है, तो सगुण जान नहीं कोई, अब उसको जान नहीं पाओगे, इसका मतलब अब आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आगे आपकी सीमा समाप्त है, आगे कुछ नहीं कह पाओगे। हनुमान जी बंद। फिर राम जी क्या कहते हैं, अरे कोसलेश दस रथ के जाए हम पेत बचन हनुमान जी ने कहा था जग कारण आप तो संसार के उत्पन्न करने वाले हैं, तो राम जी ने कहा संसार तो बहुत बड़ा होता है, अरे कोसलेश दशरथ के जाए, अरे दशरथ कौशल्य ने हमको खुद पैदा कर दिया है, हम संसार को क्या पैदा करेंगे। अरे पंडित जी आप कह रहे हैं कि तुम अखिल भुवनपति अखिल ब्रह्मांड स्वामी बता रहे हो, हम तो एक अयोध्या के राज्य के भी प्रतिनिधि नहीं बन पाए, वहां से भी निकाल दिए गए, हम पितु वचन मानी बन आई। अरे हे ब्राह्मण आप कहते हो कि भंजन धरनी भार पृथ्वी का भार उतारेंगे, हम जब अपने भार नहीं संभाल पाए, हम अपनी पत्नी है की रक्षा नहीं कर पाए, तो संसार का भार क्या उतारेंगे। यहां हरि निश्चर वैदेही, लेकिन एक बड़ी सारगर्भिता जब राम जी ने कह दिया कि अपन चरित कहा हम गाई सबका खंडन कर दिया कि कोसलेश दशरथ के जाए पैदा हम खुद किए गए हैं, अब पिताजी की आज्ञा मान करके जंगल निकल आए हैं, जब एक अयोध्या के राजा नहीं बन पाए तो अखिल भुवनपति कहां से होंगे, हमारे साथ में हमारी पत्नी थी वो खो गई है, यहां हरि निश्चर वैदेही, उस वैदेही का किसी ने निशाचर ने हरण कर लिया है। राम जी ने कहा हे पंडित जी आपन चरित
कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा भुजाए। इस इतने से वाक्य में ऐसी कौन सी बात राम जी ने कही कि जो हनुमान जी ने प्रभु पहचान लिया, ईश्वर को पहचान लिया, जरा विचार करने की आवश्यकता। इसमें ऐसी एको बात नहीं आई जिससे राम का ईश्वरत्व समझ में आ जाए, राम को पहचान में। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु पहचानी, प्रयोग गही चरना, गही माने पकड़ लिया, प्रभु मैं आप आपको छोड़ नहीं सकता, आप चाहे जो कुछ कहो मैंने पहचान लिया। कैसे जान लिया? बड़ी सावधानी से समझे इसको। इसका संबंध वहीं से है जो प्रश्न मैं बोल रहा। आकाशवाणी वही थी, आकाशवाणी में जब देवताओं ने सुन लिया कि वो ऊपर से आकाशवाणी कर रहे हैं कि निर्भय हो देव समुदायी और हरि हो सकल भूमि गरुवाई, तो देवता वहां से लौटने लगे कि आकाशवाणी हो गई कि मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, तो लौटने लगे। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को रोका, सुनो आकाशवाणी करने वाला तुम्हारा नौकर नहीं है कि वो आके तुम्हारा ये समस्या दूर करता रहे, आप पड़े पड़े सो जाके, इसलिए कुछ कर्तव्य तो तुम्हारा भी है। तो निजलो कहीं बिरंच गे देवन यह सिखाए, अपानर तन धरि 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 मही और हरि पद से वह जाए। बंदर का शरीर बनाओ। एक बात और बताऊं, एक ने कहा मैं नर बनूंगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम वानर बनो, वानर के बाद कभी तुम भी नर बन जाओगे। वानर तन धरि धरि मही हरि पद से वह जाई। जितने भी देवता थे उन सब ने वहीं से वानर का रूप बनाया। अब पूरे देवताओं ने एक दूसरे से कह दिया, सुनो इस लक्षण का व्यक्ति जहां कहीं पकड़ में आ जाए तो सबको सूचना दे देना, पूरी पृथ्वी में सभी महाद्वीप में जगह जगह चप्पे चप्पे पर जाकर के लग जाओ ड्यूटी में। और अगर इस लक्षण, कौन से लक्षण का, कि ते दशरथ कौशल्या रूपा अकोसलपुरी प्रगट नर भूपा अतिन के ग्रह अवतरी हो जाई, उनके घर में मैं पैदा होऊंगा। एक तो पहली पहचान ये, और दूसरी पहचान ये कि नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद जी का श्राप था कि अपनी पत्नी के वियोग में रोते घूमोगे, इसका मतलब ये लक्षण जहां जिसको भी पकड़ में मिल जाए तो पूरे बंदरों को, संसार भर के बंदरों को सूचना भेज देना, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब हनुमान जी ने जब राम जी के सामने वो वेदांत की व्याख्या किया और राम जी ने बताना शुरू किया कि कौशलेश दशरथ के जाए, अरे हनुमान जी ने कहा ये तो वो लक्षण मिल गया जो बालकांड के आकाशवाणी में कहा था कि दे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा अतिन के ग्रह अवतरी हम जाई। हनुमान जी ने कहा एक लक्षण तो मिल गया कि कौशलेश दशरथ के जाए हैं, अब दूसरा और लक्षण मिल जाए कि पत्नी के वियोग में रो रहे हैं कि नहीं है। और जैसे राम जी ने कहा कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई असंग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही अभिप्र फिरे हम खोजत। अरे हनुमान जी को आकाशवाणी याद आ गई कि नारद वचन सत्य सब करी हो, मैंने नारद जी ने कहा था कि नारी ग्रह तुम हो दुखारी, और ये तो वही है कौशलेश दशरथ का पुत्र भी है और नारी के विरह में रोता घूम भी रहा है, इसलिए प्रभु पहचाने पर नहीं चले समझिएगा अवतार क्या है। अवतार शब्द का अर्थ होता है अव माने नीचे। ये लोग संगीत वाले जो गुणी व्यक्ति हैं ये ऊपर नीचे स्वर चढ़ाते उतारते हैं ना, जब ऊपर स्वर चढ़े तो आरोह और जब ऊपर से नीचे स्वर उतरे तो अवरोह। कोई पहाड़ पर चढ़े तो आरोहण, ध्वजारोहण, पर्वतारोहण,
आरोहण माने ऊपर चढ़ा, अवरोह माने नीचे उतरा। अवतार का अर्थ होता है अव माने नीचे, तार माने उतरना, नीचे उतर गया। जैसे कहीं आप रोड पर खड़े हैं, दो मंजिल के छत के ऊपर एक आपका मित्र खड़ा है, वहां से तड़ातड़ बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, 10 मिनट के बाद वही आपका मित्र आपके साथ सड़क में नीचे आकर के हाथ मिलाने लगा, तो व्यक्ति कह देंगे कि अभी ये ऊपर चढ़ा था, नीचे उतर आया। उतर गया कि नहीं? जिस समय ऋषि मुनि साधु संत सिद्ध मुनि चारण कुहिये गंधर्व और पृथ्वी ये सब समूह बनाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो ऊपर से किसी ने आकाशवाणी किया था कि जन डरपोह मुनि सिद्ध सुरेशा अब तुम ही लागी दरिहो नरवेशा। और ऊपर से आकाशवाणी हुई थी ना, आकाश की स्थिति ऊपर की ओर समझते हैं, ऊपर से आकाशवाणी, इसका मतलब वो अभी ऊपर है। अब वो कह रहा था कि कश्यप अधिक महातप कीना तिलका मैं पूरा बर दिना और ते दशरथ कौशल्या रूपा कोसलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, उनके घर में मैं ऊपर से नीचे उतर करके आ जाऊंगा। ठीक है ना, अवतरी हो अवतार लूंगा, अवतरी हो जाए, ऊपर से नीचे उतर आऊंगा। इसका मतलब जितने भी वहां के देवता थे, सिद्ध मुनि थे, उन्होंने उस परमात्मा को ब्रह्म को ये वहां समझा था, अनुभव किया था कि ऊपर है कहीं, वहां से आकाश में वाणी कर रहा है और बोल रहा है। वही जब नीचे आकर के उतर कर मिल जाए तो उसको कहते हैं अवतार। हनुमान जी ने जैसे कहा कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, तो राम जी ने कहा हाँ भैया वही अवतार कोसलेश दशरथ के जाए। और फिर पूरे दोनों लक्षण बता दिए, यहां हरि निश्चर वैदेही। इसका मतलब जितने भी देवता हैं, देवताओं ने कभी उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को ऊपर अनुभव किया है, आहट किया है, सुना है, समझा है, और वही परमात्मा आज अगर नीचे धरती में आकर के मिल गया है तो देवताओं ने कहा ये ऊपर से नीचे उतर आया माने अवतार हो गया। इसका मतलब अवतार देवताओं के लिए अवतार होता है, उस परमात्मा राम का अवतार हुआ। अवतार और प्रगट किसके लिए होते हैं? जिस भक्त ने आज तक ब्रह्म को, परमात्मा को कहीं ना जाना, ना समझा, ना अनुभव किया, केवल विश्वास से, हृदय की भावना से, अपूर्ण समर्पण से उसी परमात्मा में एकदम समर्पित है, रात दिन उन्हीं के रट लगा है, तो जहां पर यहां कुछ नहीं है और यहां एकदम फटाक से प्रकट हो जाए और दिखाई पड़ने लग जाए, उसको कहते हैं प्रकट होना। जो भक्त केवल हृदय की भावना से, पूर्ण समर्पण से, विश्वास से, निष्ठा से, श्रद्धा से जो उस परमात्मा में समर्पण किए हैं, तो जो पहले कहीं नहीं था लेकिन यहां दिखाई पड़ जाए, उसको कहते हैं प्रकट होना। भक्त के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल Yeah.
दौड़ पड़े, हे विदिन बंदर गुराया, मुझसे सत्र कर लाया, एक बार कर ना निधान की सोपरी जाके, इतना प्रेम कि देसी और विदेश पंथ नहीं सूझा, आपको मैं कहां चले नहीं बूझा। ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, लगता है कि क्या गोस्वामी जी ने रखी है। आप एक शब्द समझ लें, मैं कहता हूं पूरे जीवन का सार समझ में आएगा। को मैं का मतलब क्या, मैं कौन हूं ये भूल, ध्यान से समझिए। तो एक शब्द के अंदर ज्ञान और भक्ति दोनों की परिभाषा है। मैं कौन हूं, अगर इसका सच्चा ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि सिवो हम। मैं कौन हूं, आत्मानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। अगर मैं कौन हूं इसको अच्छे से जान ले, वही ज्ञान है। और मैं कौन हूं, ये मैं माने अहंकार, मैं कौन हूं अपना अभिमान बिल्कुल भूल जाए, वही भक्ति है। मैं कौन हूं इसका ज्ञान ही ज्ञान है, और मैं कौन हूं इसका पूर्ण रूप से भूल जाना ही भक्ति। सुतीक्षण जी, को मैं कौन हूं ये भूल गए, कहां चले हूं, कहां जाना है ये भी भूल गए। भगवान प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, अप्रगटे हृदय हरण भव भी प्रकट। भक्तों के लिए भगवान, अच्छा जन्म किसके लिए होता है? मनुजी महाराज ने तपस्या किया, मनुजी महाराज ने जब तपस्या, उनकी तपस्या, उनका प्रसंग बहुत लंबा है, मैं बहुत पूरा प्रसंग नहीं सुनाऊंगा। जिनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार कई बार अनेक बार आए, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। ऊपर से आकाश ध्वनि हुई, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मांग मांग बता। मनुज जी महाराज ने कहा, महाराज आप खोला मनुज जी। मनुज जी ने आप खोला, वहां कोई था ही नहीं, आवाज बरोड़ रही थी, मांगो मांगो। अच्छा बड़ी एक सरल बात है, अगर मनुज जी ऐसे मांग लेते, अक्कल को जिसने कह दिया कि हाँ मैं दूंगा, दिया मैंने, अक्कल को वो ना देता, अब मनुज जी दूसरों से बताते, भैया वो तो बड़ा झूठा निकला। लोग पूछते कौन, अरे बोले उसने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा बन जाऊंगा। लोग पूछते कि किसने कहा था, बोले वो तो सकल सूरत तो उसकी दिखाई नहीं पड़ी। तो लोग कहते कि आप तो पागल ही हो, जिसको आप तो आपने देखा ही नहीं और उसका विश्वास मान लिया। तो मनुजी महाराज सबसे पहले कहते हैं, महाराज जरा सामने तो आओ, देखें तो कि आप क्या दे सकते हो। अच्छा बहुत कुछ तो देखने से पता चल जाता है कि ये क्या दे सकते। जैसे कोई टूटी फूटी साइकिल से जा रहा हो बेचारा, फटा पैजामा पहने, टूटी चप्पल पहने, और आप उससे मांगो कि हमें बड़ा यज्ञ करना है, आप 1,00,000 रुपया दे दो, तो आपको तो पहले पता चल जाएगा कि 1,00,000 इन्होंने दीना भी नहीं होगा। तो मांगने से पहले कम से कम देखें तो। रघुवंश महाकाव्य में बहुत बड़ा वर्णन आता है इसका, मांगने के लिए, कि मांगते समय पहले देखो तो कि क्या दे सकता है। जो बढ़िया 40,00,000 की कार में बैठे जा रहे होंगे, अच्छे अच्छे लोग, उनसे आप कहिए मेरे सांसद महोदय विधायक जी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमको कुछ दीजिए तो ठीक लगता है। मंदिर का महाराज पहले देखे तो, आगे प्रकट हो गए। वो प्रसंग लंबा है, मैं उसकी व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा, मैं केवल बात बता रहा हूं कि जन्म किसके लिए होता है। जब राम जी और उनके भाई बाहर में सीता जी दोनों प्रकट हो, वहां पहले प्रकट हो और फिर कहा कि मांगो। मन जी ने मांगा,
दारि शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अच्छा व्यक्ति मांगता क्या है? जिसके जीवन में जिस चीज की कमी होती है वही तो मांगता है। क्या मनु जी के जीवन में पुत्रों की कमी थी क्या? जबकि शास्त्र कहता है, मानस कहती है कि इस धरती में जितने मनुष्य हैं वो सब मनु के बेटे हैं। स्वयं भुव मनु सतरूपा अजिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अरे जब इतने पुत्र भरे पड़े हैं तो आप और कुछ मांगो तो ठीक लगेगा, लेकिन अभी भी पुत्र मांग रहे। बहुत एक बारीक बात है, बहुत छोटी, बहुत पतली सी बात है। आप लोग एकाग्रता करें तो मैं जरा सा प्रयास करूं कि क्यों मांगा इन्होंने पुत्र। देखिए मनुस्मृति मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाकर और सामंजस्य धारण करने की वो नीति देती है। सही पूछो तो जैसे देवियों के लिए एक नियम बना है कि इनके जीवन में एक ही पति होना चाहिए, बार बार कोई